नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के। कैसे बनेगा भोपाल नंबर वन सफाई अभियान के मामले में यह बात सिर्फ एक मजाक ही लगती है, क्योंकि न ही भोपाल में किसी तरीके की कोई सफाई दिख रही है। देखा जाए तो चंद पोश इलाकों में ही साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, बाकी निचले इलाकों में तो सिर्फ नगर निगम सफाई के नाम पर प्रदेश की जनता को बेवकूफी बना रही है। आज भोपाल के वार्ड नंबर एक में जब हमारे केकेआर न्यूज के संवाददाता ने यहाँ का नजारा किया तो नजारा देखने लायक था। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा था और जगह जगह रोडों पर नालियों का पानी बह रहा था, जिससे वहाँ के रहवासी गंदगी व बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से इस बात की शिकायत तो की जाती है, पर इस बात को लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। भोपाल से संवाददाता महबूब खान की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि रोड जो है नाली में तब्दील हो चुका है और यहाँ पे मस्जिद भी है जहाँ पर पांच वक्त के नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो गंदगी है और गंदा पानी यहाँ पे भरा हुआ है तो इसको लेकर यहाँ के लोगों को किस तरीके की परेशानी होती है। तो आइए हम केकेआर न्यूज़ से यहाँ के रहवासी एक जिम्मेदार अनवर भाई से बात करते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर अभी तक कहाँ कहाँ इन्होंने आवेदन दिए हैं और काम के लिए बोला है, जो ये काम हो नहीं पाया अभी तक। तो हम आज केकेआर न्यूज़ के द्वारा जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है अनवर कुरैशी। अनवर भाई, ये जो हालात यहाँ के दिख रहे हैं इसको लेकर कोई आपने पहल की है, किसी से बात की है कि या जैसे पड़ा हुआ है ये? इसको लेकर तो पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं और रोड नाले के लिए भी बहुत व्यवस्थाएं करी हैं और मंत्री जी से भी कहा था हमने पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने पहले, जब हमने उसके लिए उनसे भी कहा था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। और पार्षद, विधायक और महापौर को भी लिखा था, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन आज के हालात ये हैं, अभी हमारे मोहल्ले के और हमारी गली के या धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी इतनी गंदगी है कि इसका आलम कुछ कह नहीं सकते। और अगर एक बारिश हो जाए ना तो ये सड़कें जो हैं टूटी फूटी वो भी नाले में तब्दील हो जाती हैं। अनुभव भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मस्जिद भी है, मस्जिद में जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते होंगे और ये घरों के ऊपर पानी आ चुका है, यहाँ पे नाली तो बनी लेकिन पूरी चौक हो रही है, तो इसको लेकर नगर निगम में अभी वर्तमान में आपने इसकी सफाई को लेकर, नाली की सफाई को लेकर कोई बात की है, कोई आवेदन दिए हैं? उसको सफाई को लेकर तो सभी बार हमेशा से किए चले आते हैं, लेकिन वो टाइम समय समय से सफाई होती है। और अब जैसे अगर सफाई कर दी है, आपने इसकी हालत देखी पीछे की सफाई कर दी है और वहीं छोड़ देते हैं तो फिर वापस वैसे ही हो जाता है। और अगर पानी अगर गिर जाए तो नालियाँ इस हिसाब की बनी हुई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी नालियाँ बनी हुई हैं और पूरी चौक हो जाती है, पूरा कचरा और गंदगी जो है कि रोड पर आ जाती है और फिर उससे मलेरिया और मच्छर वगैरह ये हो जाते हैं और ख़ासतौर से बच्चों को निकलने में, महिलाओं को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो देख रहे हैं आप, ये है वार्ड क्रमांक एक भोपाल के पिक्चर ही वार्ड में प्रथम वार्ड एक आने भोपाल का, और क्या हालत इस वार्ड की है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ अभियान के जो एक अभियान चलाया है उसके तहत कितनी सफाई वार्ड क्रमांक एक में हो रही है, हम आपको केकेआर न्यूज़ के द्वारा दिखा रहे हैं। मैं केकेआर न्यूज़ से महबूब खान। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।